नांदेड़ शहर से सबसे पहला काफिला आज़मीन को लेकर आज मक्का और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत की गर्ज़ से नांदेड़ के मारूफ आयशा टूर की जानिब से आज़मीन का ये काफिला 15 दिनों के लिए उमरे की सआदत हासिल करने के लिए रवाना हुआ। आज आयशा टूर के आज़मीन नांदेड़ रेलवे के ज़रिए से रवाना हुए। इस मौके पर आज़मीन को रवाना करने के लिए इनके करीबी रिश्तेदार दोस्त व अहबाब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच कर इन आज़मीन की गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। वाजह हो के मुल्क में पिछले 2.5 साल से कोरोना के कहर के सबब आज़मीन मक्का व मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत से महरूम थे, लेकिन अब कोरोना मर्ज़ के मरीजों की तादाद कम से कम होने के सबब फ़िज़ाई तैयारे के खिदमात फिर से बहाल कर दी गई है। आयशा टूर के ज़रिए से मक्का व मदीना मुनव्वरा में आज़मीन की तमाम तर सहूलियात का ख़ास ख्याल रखा गया है, जिसमें आज़मीन के लिए 5 स्टार होटल्स की खिदमात रखी गई है। इसी तरह आज़मीन के लिए हिंदुस्तानी लजीज खाने का नज़म भी रहेगा। इसी तरह आयशा टूर्स के ज़रिए से बुकिंग के वक्त ही मिलेगा फ़्लाइट टिकट्स और होटल कन्फर्मेशन। ये तमाम तर सहूलियात आज़मीन के लिए आयशा टूर्स में ही मैसर रहेंगी। वाजह हो के आयशा टूर्स के ज़रिए जल्द ही अप्रैल महीने में रमज़ान उमरा टूर्स के काफिले भी रवाना होंगे, जिसकी बुकिंग अभी शुरू हो चुकी है। मक्का व मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस मुकामात की ज्यारत के लिए आज़मीन को चाहिए कि वो नांदेड़ के ब्रांच आयशा टूर्स, जो कि नांदेड़ मस्जिद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े है, आयशा टूर्स के ज़िम्मेदारान से राब्ता कायम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कलीम मोहम्मद यूसुफ। कोरोना के काल में जो तो क्या पहली बार जो तो क्या है अब जो तो अल्लाह के फजल करम से ज़्यारत नसीब हो रही है। आयशा टूर वालों की तरफ से हमारे को जो तो क्या है जाने का मौका मिला। अल्लाह का ये बड़ा फजल करम है कि जो तो क्या है मक्का मदीना मुनव्वर की ज़्यारत नसीब हो रही है। और हमारे साथीदार हमारे जो तो क्या है हाजी साहब, हमारे जो तो क्या है रहीम साहब, हमारे नूर भाई बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कौम के वास्ते भी जो तो दुआ करेंगे। कोरोना काल में जो तो 2.5 साल से जो तो गैप हो गया था, 2.5 साल के बाद अल्लाह ने ये पहली बार मौका दे रहा है जो तो हमारे को नांदेड़ से जाने का जो तो शर्फ हासिल। और अपने कौम के लिए हिंदुस्तान के लिए जितने भी जो तो क्या है भाई हैं मुसलमान भाई बहन हैं सभी के लिए उमरा में मक्का मदीना में दुआ करें। मक्का मदीना में टोटल जो तो क्या 15 दिन का है,
7-7 दिन जो तो क्या है वहाँ ठहरना है, मक्का में 7 दिन, मदीने में 7 दिन। ज़्यादा से ज़्यादा जो तो क्या यहाँ से जो तो जाने के लिए, और आयशा टूर बहुत अच्छा है, जो तो कॉपरेट करते हैं ये टूर वाले सभी जो तो लोग अच्छे हैं, और जो तो अदरवाइज जो तो औरंगाबाद में उन्होंने भी बहुत कॉपरेट किए हैं, और ये बहुत अच्छा टूर है जो आयशा टूर। एयरपोर्ट पर नौकरी करता हूँ, और हमारे सर्वे जो तो क्या है हमारे ऑफिस के ऑफिसर लोग अभी कॉपरेट किए हैं, और SP साहब का भी शुक्र गुजार हूँ हमारे, उन्होंने भी जो तो क्या है परमिशन देकर जो है हमारे को रवाना किए हैं। मैं खाजी मोहम्मद जावेद पाशा, उस्मान नगर पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। ये हमारे साथी है, साथ में ड्यूटी करते थे हम एयरपोर्ट पर। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हज के लिए, और तबीयत और सेहत का ख्याल रखे उन्होंने, और सारे कौम के लिए और हिंदुस्तान के लिए दुआ कीजिए। कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद में पहली बार जो है आयशा टूर की तरफ से नांदेड़ से, मैं समझता हूँ नांदेड़ से पहली बार ही आजमीन जा रहे हैं, ऐसे पहला जत्था जा रहा है। ऐसा हमारा ये है कि भाई यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाए और मक्का मदीना की ज़्यारत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, और तमाम जो भी नांदेड़ के पास ये है लोग, मैं उनसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि भाई आयशा टूर्स के जो हमारी सर्विस है, सर्विस का फ़ायदा उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नांदेड़ से रवाना होने की कोशिश करें, और जहाँ जो भी समझो जाने के लिए अड़चने आते हैं, जो मसले रहते हैं, वो सब टूर की तरफ से क्लियर करके भेज जाते हैं। इंशाल्लाह जो यहाँ से भी आगे भी जो भी लोग जाने का इरादा रखते हैं वो हमारे ऑफिस नांदेड़ ब्रांच से मुलाकात करके आगे की कार्रवाई करके इंशाल्लाह मदीना मक्का के लिए जाने की कोशिश कर सकते हैं, इरादे करो, ऐसा हमारा टूर की जानिब से हम कोशिश कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट टूर हमारा देखो रमज़ान के लिए पूरे महीने के लिए रखे हमने, 2 अप्रैल को यहाँ से रवानगी है और उसकी बुकिंग भी चालू है, और पेपरों में भी उसके ऐड वगैरह दे रहे हम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेके इंशाल्लाह ऑफिस से आके हमसे मुलाकात कीजिए, तमाम लोगों से गुजारिश है।